हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज का वीडियो हम फिर से एक लाइन शुरू करने वाले हैं और वो लाइन आपके पास बोर्ड पर है। लाइन में है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। कहने का मतलब यह है कि जो आपका फ्यूचर आने वाला है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। फिलहाल अभी आप अपनी आदतों को, हरकतों को बदल सकते हैं और वो आपकी आदत अगर अच्छी रही तो आपकी भविष्य डेफिनेटली बदल जाएगी। चलिए इसी सुविचार के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज हम क्लास 10th का पहला वीडियो बनाने वाले हैं। हाँ, और आज हम उठाने वाले हैं सब्जेक्ट विज्ञान का, और विज्ञान में होते हैं तीन हिस्सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हाँ, तो आज हम उठाएंगे फिजिक्स और फिजिक्स का पहला चैप्टर उठाने वाले हैं। चलिए तो आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना सा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और उठाते हैं हम लोग क्या, क्लास 10th मैट्रिक का, बिहार बोर्ड के मैट्रिक का जो सब्जेक्ट आता है अपना विज्ञान। और इस विज्ञान में होते हैं तीन हिस्सा, मतलब तीन किताब पढ़ने होते हैं आपको। एक आपका होता है फिजिक्स, जिसको बोलते हैं भौतिकी। एक होता है केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन शास्त्र। एक होता है बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, फिजिक्स को उठाएंगे और उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि पहले विज्ञान का कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा। पूरे होते हैं 100 नंबर का, जिसमें से आपको 80 का होगा थ्योरेटिकल, जो कहीं आप जाकर दीजिएगा लिखित रूप में, और 20 नंबर आपको अपने स्कूल से फोकट में मिलने वाला है प्रैक्टिकल के रूप में। ठीक, तो आपको 80 का ही एग्जाम देना है। 80 का एग्जाम देगा तो 80 में हाफ ऑफ करेंगे हम लोग, तो कितना हो गया, 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव। 40 बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, 80 ऑब्जेक्टिव, और ये आपके पास सब्जेक्टिव है, इसमें भी आपको डबल डबल मिलेंगे। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं हम लोग, उठाते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। और फिजिक्स में पूरे पढ़ने हैं हमको 5 चैप्टर। पहला आपके पास है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। दूसरा पढ़ना है आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी संसार, दुनिया या संसार। तीसरा पढ़ना है विद्युत धारा। चौथा पढ़ना है आपके पास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और पांचवा पढ़ना है आपके पास ऊर्जा के स्रोत। ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। हाँ, फिजिक्स में 2 हो गए आपके पास लाइट पे, हाँ प्रकाश पे, 2 हो गए आपके पास करंट पे, और 1 है आपके पास एनर्जी पे, कहां कहां से हमको एनर्जी मिलता है उसका सोर्स देखना है हम लोग को। तो ये आपका हो गया फिजिक्स का चैप्टर का बंटवारा। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले फर्स्ट चैप्टर को। सबसे पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स आखिर क्या है। हाँ, भौतिकी आखिर क्या है। देखिए, भौतिकी से हम लोग सोने से लेके जगने तक, हाँ, पूरा घिरे हुए हैं। ये प्रकृति है, नेचर है। हाँ, नेचर में कुछ भी जो हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसको जो पढ़ते हैं हम जिस सब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं हम लोग भौतिकी। कहने का अर्थात ये हुआ कि प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में जिस विषय में पढ़ा जाता है उसे बोलते हैं हम लोग भौतिकी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति और प्रकृति के नियमों के बारे में पढ़े उसे हम लोग बोलते हैं भौतिकी। चलिए तो हम लोग पहले प्रकाश को उठाते हैं हम लोग और जानते हैं प्रकाश का कुछ बेसिक गुण, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें 3 शब्द है, एक है आपके पास प्रकाश, दूसरा है परावर्तन और तीसरा है अपवर्तन। तो प्रकाश के बारे में कहानी शुरू करेंगे हम लोग, और हम लोग फिर जाएंगे परावर्तन में और फिर पढ़ेंगे अपवर्तन को। परावर्तन में बेसिकली हमको पढ़ना है दर्पण के बारे में, और अपवर्तन में पढ़ना है हमको लेंस के बारे में। तो पहले कहानी शुरू करते हैं प्रकाश से, प्रकाश से कहानी शुरू करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट। लाइट से हम घिरे हुए हैं, सूरज का रोशनी, घर में बल्ब का रोशनी, लालटेन का रोशनी, मोबाइल में फ्लैश का रोशनी। ये जो लाइट है अपने पास आखिर क्या है, पहले इसके बारे में हम लोग 5-6 बात जानेंगे और उसके बारे में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कि प्रकाश नहीं होती तो क्या हम एक दूसरे को देख पाते, कोई भी वस्तु को देख पाते, सोच के देखिए एक बार।
तो यही एक वजह है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो पहला रंग तो हम यही बोल सकते हैं कि प्रकाश की वजह से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और प्रकाश कुछ और नहीं है, एक एनर्जी है, ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ओके, जैसे मान लीजिए कि ठंडी के समय क्या करता है अपने पास कि कपकपाता है लोग, मगर धूप में जाने के बाद क्या होता है, वो गर्मी पैदा होता है उसके बॉडी में और फिर क्या होता है, वो एनर्जेटिक हो जाता है। मतलब कहीं ना कहीं उसको एनर्जी मिला है, ऊर्जा मिला है उसको। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अगला ज्ञान होता है कि प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है, मतलब सीधी रेखा पर चलती है। ये क्लास दसवीं तक सही है, 11th 12th में जाने के बाद इसका नियम कानून बदली हो जाता है। दसवीं क्लास तक समझिए कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा पर चलती है। अगर नहीं चलती सीधी रेखा पर तो कहीं एक रूम से दूसरे रूम में यहां से चल जाते घूम के आ जाती लाइट, नहीं आती है ना, तो क्या होता है, प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है। दूसरा चीज, अगला इसमें क्या होता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव है, वेव समझते हैं तरंग, यूं ऐसे करके ये तरंग है। कैसा तरंग है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अपने पास, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और सबसे ज्यादा स्पीड अब तक किसका है, तो सिर्फ और सिर्फ लाइट का है। स्पीड मतलब उसका चाल, कितना चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है अपने पास। तो हम सब बारे में लिखते हैं, पहला क्या अपने पास, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का रूप है। दूसरा अपने पास, प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है, गमन मतलब होता है चलना। तीसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद इसका गति जो है, इसकी चाल जो है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है। यह भी लिख दिया है, इसका पूरा फील नहीं आ रहा है ना कितना चल रहा है स्पीड से, इसको अभी आपको फील दिलवाते हैं। इसको पहले अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 3×1/8 है तो 3×2=5, 6×7=8। मतलब कि आप इसमें से 3 जीरो हटाएंगे, 3 मतलब होता है के, ओके, के मतलब होता है 3 जीरो। तो हम क्या करेंगे, आप 3×5 जीरो लिख देंगे पहले हम लोग, और यहां क्या क्या हो गया, के हो गया, इसका मतलब आगे क्या है, मीटर लगा हुआ है, और ये हो गया सेकेंड। और स्पीड का जो मेन मीनिंग होता है, वास्तविकता मीनिंग होता है, मतलब उसका कि अगर आप बाइक चला रहे हैं, अब बाइक का स्पीड रखे हुए 80 मतलब क्या 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे तक आप वही रखेगा स्पीड तो आप 80 किलोमीटर पहुंच जाइएगा। तो इसका स्पीड क्या है, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये 1 सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, और पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्पीड इसी का है, 1 सेकेंड। ऐसे हुआ और 3,00,000 किलोमीटर पहुंच गया कौन, प्रकाश। तो अभी फिलहाल कितना स्पीड है इसका, और लास्ट में इसका, इसके बारे में कि प्रकाश वह स्रोत है, सोर्स है ये एक तरह का, कैसे देखने का, तो प्रकाश वह स्रोत है या वह जा है बोल सकते हैं, स्रोत है जिसकी वजह से हम मतलब हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये 4-5 बात है प्रकाश के बारे में। अगर प्रकाश के बारे में पूछे, प्रकाश का गुण पूछे, या प्रकाश क्या है पूछे, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश से जो भी संबंधित प्रश्न आएगा इतना सारा लिख दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कि प्रकाश को लेकर के हम लोग ना वस्तु को डिवाइड किए हुए हैं, वस्तु का टाइप बनाते हैं प्रकाश को लेकर के। हाँ, देखते हैं कि हाँ कैसे कैसे बना हुआ है, कितने टाइप का होता है, सो आगे बढ़िए। हाँ, प्रकाश को लेकर के वस्तु को ना दो आधार पर बांटा गया है। पहला आधार यह है कि अगर वस्तु से पास करने के आधार पर, लाइट पास करने के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है, और उत्सर्जित करने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। मतलब कि अपने पास कि अगर लाइट पास करने के यहां से बात करेंगे तो 3 प्रकार का वस्तु होता है, और लाइट उत्सर्जित करना मतलब निकालने के हिसाब से तो 2 प्रकार का वस्तु होता है। तो अगर हम प्रकाश को लेकर के वस्तु का टाइप लिखें पहला हो गया पास करने के हिसाब से तो 3 टाइप का होता है, और उत्सर्जित करने के हिसाब से तो 2 टाइप का होता है। तो ये हो गया पास करने यहां से, आर पार करने यहां से, एक होता है पारदर्शी वस्तु, एक होता है अपारदर्शी वस्तु, एक होता है पारभासी वस्तु।
वो तो सार्जित करने के हिसाब से, वो अपने अंदर से वो निकाल रहा है लाइट के नहीं निकाल रहा है, उसके हिसाब से होता है दीप्त वस्तु, होता है अदीप्त वस्तु। चलिए तो फटाफट हम सबका आपको मतलब समझाते हैं और परिभाषा भी सुनिए ध्यान से। इसमें हम बात करेंगे प्रकाश को पार आर पार होने के हिसाब से। तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरी की पूरी तरह पास हो जाए उसे बोलते हैं पारदर्शी वस्तु, मतलब लाइट पूरा आर पार हो जाए उसे बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। वैसा वस्तु जिससे एक भी लाइट, एक भी किरण प्रकाश का हाँ आर पार नहीं हो, कुछ भी पार नहीं हो, उसको बोलेंगे अपारदर्शी वस्तु। और पारभाषी में वैसा वस्तु जिससे कुछ किरण पास हो प्रकाश का, कुछ किरण पास नहीं हो, मतलब धुंधला टाइप से दिखे, उसको बोलते हैं हम लोग पारभाषी वस्तु। जैसे आपके पास मान लीजिए कि शीशा जो मोबाइल दुकान पर रहता है लगा हुआ शीशा आर पार दिखने वाला, आप इधर है मोबाइल उधर रखा हुआ है, पूरा साफ साफ दिखता है, उससे लाइट पूरा पूरा पार हो रहा है, इसलिए हम पूरा पूरा देख पा रहे हैं, तो वैसा वस्तु को बोलते हैं हम लोग पारदर्शी वस्तु। जैसे मान लीजिए अभी दीवार है, जैसे बोर्ड है अभी, हाँ उस तरफ का वस्तु दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि लाइट को यह पूरा का पूरा रोक दे रहा है, तो यह हो गया अपारदर्शी वस्तु दीवार से अपने पास। और पारभाषी, पारभाषी में आपके पास क्या होता है, जैसे घर में कोई होता है शीशा लगा होता है अपने पास, आपको दिख रहा है घर में कि कोई ना कोई है, मगर कौन है ये पता नहीं चलता है, मतलब दिख रहा है पता चल रहा है मगर कौन है सही सही पता नहीं चल पा रहा है, इसको बोलते हैं पारभाषी वस्तु। कोई भी शीशा वाला घास ले लीजिए अपने पास, जो आर पार दिख रहा था पारदर्शी, उसको घास दीजिए तो वो हो जाएगा अपने पास पारभाषी वस्तु। तेल लगा हुआ पेपर, ये भी हो गया पारभाषी वस्तु अपने पास। तो तीनों को पकड़ने में, तीनों का परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरी तरह पास हो जाए उसे बोलते हैं पारभाषी पारदर्शी वस्तु, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करे उसे बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु, और वैसा वस्तु जिससे प्रकाश कुछ है पास करे, कुछ पास करे कुछ पास नहीं करे, उसे बोलते हैं पारभाषी वस्तु। सबका एग्जाम्पल है, पारदर्शी में अपने पास वो कांच लिख दीजिएगा, अपारदर्शी में दीवार लिख दीजिएगा, पारभाषी में लिख दीजिएगा घिसा हुआ कांच और तेल लगा हुआ पेपर। तो ये तीनों समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हम लोग दीप्त और अदीप्त पर। इसमें बात करेंगे हम लोग कि लाइट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो वैसा वस्तु जिसका अपना खुद का प्रकाश हो, मतलब अपने अंदर से खुद प्रकाश निकाले, उसको बोलते हैं दीप्त वस्तु। और वैसा वस्तु जो अपने अंदर से प्रकाश नहीं निकाले उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। जैसे मान लीजिए अभी कि बल्ब है, घर में लगाते हैं बल्ब हम लोग, तो उसका प्रकाश खुद का है कि किसी और से प्रकाश लिया है, दिमाग में चलता है कन्फ्यूजन कि चलो बिजली मिला है तब प्रकाश दिया है, तो बिजली लिया ना, प्रकाश नहीं लिया। अगर प्रकाश लेकर के प्रकाश दे तब हो जाएगा वो अदीप्त, मगर उसका प्रकाश खुद का है तो उसको बोलेंगे दीप्त वस्तु हम लोग। जैसे सूरज हो गया, सूरज क्या हो गया, खुद का प्रकाश है उसका, उसको बोलेंगे दीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तु में वैसा वस्तु जिसका अपना खुद का प्रकाश हो उसे बोलते हैं हम लोग दीप्त वस्तु। उदाहरण में सूरज, लैंप, मोमबत्ती, इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब है ना, लालटेन, ये सब हो जाएगा आपका क्या, दीप्त वस्तु। और अदीप्त वस्तु जो किसी और से प्रकाश लिया तब हमको प्रकाश दिया उसको बोलते हैं अदीप्त वस्तु। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा खुद का प्रकाश नहीं है, सूरज का प्रकाश पहले वहां आता है फिर टकरा के हमारे पास आता है, तो उसका खुद का प्रकाश नहीं हुआ। मान लीजिए अगर आप बचपन में शीशा लेकर किसी के आंख पे फोकसिंग किए हैं, तो अगर यहाँ पे हमारे पास दर्पण से लाइट आ रही किसी आंख पे, तो इसका खुद का प्रकाश नहीं है, पहले सूरज से आया अब तक हमको दिया ये, जब तक ये हम प्रकाश मार रहे किसी आंख पे उसको लग रहा है प्रकाश यहां से आ रही है, मगर यहां से तो आ नहीं रही है, ये कहीं और से लाइट लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दीप्त और अदीप्त समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो प्रकाश के आधार पर हम लोग वस्तु को डिवाइड कर दिए हैं, तीन यहां है और दो यहां है। इसके आगे हम और बढ़ेंगे, अभी हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यहां तक देखे हैं, तो फिर वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में बांटिए। थैंक यू।